आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ गेम्स दूंगा जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हैं। बच्चे इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें ये गेम्स किस तरह से मिलेंगी। देखें जी, आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना है ताकि मैं आपको इसकी हर एक चीज़ बता सकूँ, इनको किस तरह से प्ले करना है। मैं आपको बता दूँ, मेरे पास इनका सेटअप मौजूद है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, हमारे पास जी पहले नंबर पे आ जाता है रूम्स, और दूसरे नंबर पे एक सॉफ्टवेयर है जिसका मैं लिंक जो होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रूम्स हैं, इन रूम्स को आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेट एक्सप्लोर के ज़रिए ओपन किए जा रहे थे, लेकिन ये ओपन नहीं हुए क्योंकि ये जो हैं, मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके सामने इनको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये ओपन नहीं हो रहे थे। तो मैंने इनको ओपन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लिया, तो उससे ये रन हो गया। अब सॉफ्टवेयर तो आपने पहले से देख ही लिया होगा कि मेरे पास पहले से है। ये देखें जी, टू डी डू यू वांट ओपन दिस फाइल। अब हम इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये ओपन हो रहे हैं, लेकिन ये ओपन होने के बाद कुछ नहीं शो कराएंगे। ठीक है जी, हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद हम इनको ओपन किस तरह से करें, ठीक है जी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह के कुछ फोल्डर्स आ जाएंगे। आपने इनमें से आखिरी फोल्डर यानी कि आखिरी वाले ऑप्शन या आखिरी वाली एप्लीकेशन वाले सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, ठीक है जी। FCEUX इसका नाम है। आपने सिंपली इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने एक जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद ओपन रूम में जाना है। ओपन रूम से मुराद हमारे पास वही है, मेरे पास पहले से ओपन मौजूद है, मैं अभी आपके सामने दिखा देता हूँ। हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है जी। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम चलते हैं जी 300 गेम्स में। शॉर्टकट मैंने बनाया था, ये थोड़ा सा मेरे पास काफ़ी अंदर हार्ड डिस्क के पड़े थे, मैंने चाहा मैं चलो इसका शॉर्टकट ही बना के रख लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपली रूम्स में जाएंगे। रूम्स इनको डाउनलोड करने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ठीक है जी। यहाँ उसके बारे में ही बताऊँगा आपने किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है जी। सिंपली हम यहाँ से अपनी जो मेरी फेवरेट गेम है वो है JACKLE। मैंने यहाँ पे इनके लेवल जो है मुकम्मल किए हुए हैं, ठीक है जी। जैकल है जी हमारे पास, फेवरेट मेरी, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था। यहाँ पे लिखा था जैकल, पता नहीं कुछ और नाम था, मैंने यहाँ से इसका नाम चेंज कर दिया। आपको शायद ढूंढना पड़े वहाँ से, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बाद में दिखा देता हूँ। सिंपली हमने इसके कंट्रोल जो है सेट करने, मिसाल के तौर पर हमारे पास कंट्रोल ये है, हमने यहाँ से कॉन्फ़िग में जाना है। अभी आपको एक मिनट प्ले करके बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, हमारे पास गेम जो है वो प्ले हो चुकी है, अभी थोड़ा सी वेटिंग में जाएगी ये गेम, फिर ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये गेम जो हमारे पास इसका पहला लेवल जो आ गया है, हम सिंपली यहाँ से, मेरे कंप्यूटर की आज थोड़ी सी स्पीड स्लो है जिस वजह से ये इस तरह का कर रही है। आप इन गेम्स को खेलें, आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ठीक है जी। मैंने इस गेम को प्ले कर दिया, अभी हम देखते हैं जी। ये देखें जी हमारे, मैंने पहले ही बताया मेरे आज कंप्यूटर की थोड़ी सी स्पीड पता नहीं किस वजह से स्लो है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको गेम प्ले करके देता। आपको इसका इंटरफेस तो मिल ही गया होगा, आपको पता तो लगा भाई ये कैसी गेम, हमें भी चाहिए, हम भी डाउनलोड करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन जो है
उसमें इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके जो है इसकी फाइल्स दूसरी फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 10,000 गेम्स हैं इस तरह की हुई। इसमें काउंटर आ जाती है, जैकल आ जाती है, चैम्पियनशिप आ जाती है, मोटरसाइकिल रेसिंग आ जाती है, बहुत सारी गेम्स हैं 2D मोड में। आप इसमें 2 प्लेयर्स भी ले सकते हैं। मेरे पास 2 प्लेयर्स हैं मिसाल के तौर पर। हमने इसकी कॉन्फ़िग करनी है अभी। हमारे पास ये जी पहला नंबर पे आ रहा है जी, दूसरे नंबर पे हमें सिर्फ हमारी जो है एक कार ही चल रही है। हम दूसरी कार चलाने के लिए सिंपली हम कॉन्फ़िग में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, उसके बाद गेम पैड वन हमारा प्लेयर वन सेट है, लेकिन दूसरा प्लेयर सेट करने के लिए हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे। उसके बाद अप पे हम ऐड करेंगे, कुछ भी कर लें जिससे आप दूसरे प्लेयर को भी साथ ले सकें। और इसमें मज़े की बात है, आप अगर आपके पास 2 कीबोर्ड्स हैं, यानी कि 2 कीबोर्ड अगर आपके पास हैं, तो आपका अगर पीसी अफोर्ड करता है 2 कीबोर्ड को, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको सिंपली यहाँ से ओपन क्लियर नहीं करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद लेफ़्ट हम इसको एंटर करके लेफ़्ट, उसके बाद डाउन करके लेफ़्ट कोई गेम पैड, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ से बी पे 0 रख देते हैं, ठीक है जी, कुछ भी रख लें आप। इस तरह से कंट्रोल इसका सेट कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने करना क्या है, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना, और हम देख सकते हैं कि हमारे जो हैं दोनों हमारी गाड़ी जो हैं चल रही हैं, ठीक है जी। आपका जो इसका डाउनलोड लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने इस फाइल को सेव करना है, आप चाहते हैं कि हमारी जो है यहाँ से ही ओपन हो, तो आपने सिंपली यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है, सेव स्टेट करना है, और यहाँ से सेव स्टेट कर देना है। सेव स्टेट करने के बाद आपके पास सेव स्टेट 0 हो जाएगा, यानी कि अगर आपके पास सेव स्टेट एज करना है, देखें जी इसमें 2 तरीके, सेव स्टेट लोड स्टेट फ्राम, सेव स्टेट एज। आप इसका नेम दे सकते हैं। आपका सेव स्टेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास बहुत सारी फाइल्स नहीं बनती, एक ही फाइल में एडिट हो जाती है, लेकिन सेव स्टेट एज करने के बाद आप अकेला लेवल भी जो है उसको भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद लोड स्टेट फ्राम, अभी हम मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि हमारे पास ये लेवल इसी जगह से शो हो, ठीक है जी। हम यहाँ से लोड स्टेट फ्राम और यहाँ से जैकल FC0, ये ऑटोमेटिकली उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने सेव किया हुआ था। तो हम सिंपली यहाँ से इसको ओपन करेंगे और हमारे पास देखें जी स्टेट जैकल फेवरेट लोडेड, यानी कि हमारे पास जो है स्टेट लोड हो चुकी है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। आपको ये गेम्स पसंद आई हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसको डाउनलोड करने का तरीका जो है वो है डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक दे दिया जाएगा सॉफ्टवेयर का भी और इन गेम्स का भी। इन गेम्स में 10,000 गेम्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनसे लुत्फ़ उठाएं, यकीनन आपको मज़ा आएगा। चलिए जी, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में।